रहे हैं कि सभी हॉस्पिटल काउंटर्स आपकी स्क्रीन पे गिरावट का शिकार हो रहे हैं। सुदीप जी, एक बार आपसे समझना चाहेंगे, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरी न्यूज़ को, और कोई स्टॉक आपको लगता है जिसको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है? क्योंकि हम जब भी कंपनीज को रीड करते हैं तो उनमें उनका जो पेयर मिक्स है, चाहे वो इंश्योरेंस से आए, सेल्फ पेड हो, या फिर ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स के अंतर्गत ट्रीटमेंट हो, उनमें सबसे ज़्यादा योगदान जो है किसका सबसे ज़्यादा CGHS से आता है, और साथ ही कितनी बड़ी खबर हो सकती है, कंपनी के मार्जिन्स पे क्या कुछ इम्पैक्ट हो सकता है, इस पे आपकी एनालिसिस? ये पहली बात तो है ब्रेकअप इंश्योरेंस से कितना आता है, डायरेक्टली कितना पे होता है। मेरे ख्याल से वो रेलेवेंट पे ही होगा यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि हॉस्पिटल का प्रॉफिट है, पीएनएल का जहां तक सवाल है, अगर रेट कम करना पड़ता है ड्रास्टिकली, एक स्टैंडर्ड रेट पे आ जाता है जो कि करीबन 40% ऑन एन एवरेज कम है, तो ऑब्वियसली इनके जो अर्निंग्स पर शेयर और मार्जिन पे बहुत गहरा असर पड़ेगा। मैं एक चीज और भी कह पाऊंगा यहाँ पे कि हालांकि एक तरह से अगर देखें तो कंज्यूमर्स के लिए, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए बेहतर है, पर सर्विस क्वालिटी का पे क्या क्या इसका इम्पैक्ट होगा वो भी बताना मुश्किल है। तो वी हैव टू वेट एंड वॉच। ये अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली बहुत बड़ा नेगेटिव है प्राइवेट हॉस्पिटल कंपनीज के लिए, जो कि लिस्टेड स्पेस पे अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स, शेल्बी, फोर्टिस हेल्थ और भी जैसे आज लिस्टिंग हुआ GPT, ये सारे हॉस्पिटल्स के लिए नेगेटिव साबित होगा। और आने वाले दिनों में अगर ऐसा कोई सरकार के तरफ से सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के वजह से ऐसा कुछ करना पड़ता है तो उन लोगों को शायद अपना मॉडल भी रीथिंक करना पड़े। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट इंडस्ट्री पे आ सकता है इसका। फिलहाल यही बता सकता हूँ, आगे आने वाले दिनों में जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा उसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और फिर इस पे विस्तार में विश्लेषण कर पाएंगे। ठीक है, हॉस्पिटल स्टॉक्स पर ये विश्लेषण है, लेकिन अक्षय, आपने SBI को चुना, ICICI बैंक पर नजर नहीं गई या फिर कोई खास वजह इसको ना चुनने की? हम देख रहे हैं कि इस वक्त डे हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, 1050 का भाव है। जी, मुझे ICICI भी ठीक ही लग रहा है, पर मुझे दो कॉल में बैंक में एक ही एक्सपोजर लेना था और PSU प्राइवेट से ज्यादा पसंद था, इसके चलते मैंने स्टेट बैंक को चुना। और स्टेट बैंक अब देखे तो ओवरऑल मुझे लगता है कि मोमेंटम रिगेन करने में वो ICICI को पीछे छोड़ जाएगा शॉर्ट टर्म की नजरिए से। तो ICICI भी ओवरऑल सेटअप तो अच्छा है, ऑलमोस्ट ऑल टाइम के आसपास वापस जाने के संकेत दे रहा है। यहाँ पे जो है आज पॉजिटिव ट्रेड है, सब प्राइवेट बैंकों में जो दिग्गज जो प्राइस मूवमेंट रहा है स्ट्रॉन्ग, तो दिग्गज ICICI बैंक में ही देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि 1090 तक चला जाएगा ICICI बैंक, 1040 का सपोर्ट है, तो ये भी आप बाय कर सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। मार्च सीरीज के लिए 1040 के नीचे स्टॉप बनाइए और 1095 तक टारगेट बना के चले। ठीक है, 1095 टारगेट ICICI बैंक के लिए अक्षय की तरफ से। मिड कैप स्मॉल कैप में आज हम देख रहे हैं कि कल की पिटाई के बाद आज कुछ कुछ सेलेक्टिव मूव्स अच्छे आ रहे हैं। कपिल, आप जरा इन्फीबीम को देखिए, 8-9% के आसपास का वो छाल है, हालांकि छोटे टेक साइज वाला ये शेयर है, लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि ये मूव अभी और एक्सटेंड होगी? क्या करना चाहिए इन्फीबीम में? जी, इन्फीबीम बेसिकली स्मॉल कैप में मिड कैप का जो हमने थोड़े टाइम से रवैया देखा हुआ है, तो उनका 4 से 5 दिन का ही हमें डिक्लाइनिंग मॉमेंटम देखने मिलता है, और इसमें 1 या 2 दिन के डिक्लाइनिंग मॉमेंटम काफी सीवियर होते हैं, लेकिन वो पेन काफी लिमिटेड पीरियड के लिए होता है और उसके बाद में काफी अच्छे से रिबाउंड भी करते हैं। इन्फीबीम की हम बात करें तो स्टॉक प्राइसेस ने यहाँ पे एक जो इसके पहले के 28 रुपीज के काफी बड़े रेजिस्टेंस लेवल थे, तो काफी टाइम पहले प्रीवियस मंथ में उसने इसको वहां पे ब्रेकआउट हमें देखने मिला हुआ है, उसके बाद में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट भी आया हुआ है। वीकली चार्ट पे का फ्लैग पैटर्न का पोटेंशियल फॉर्मेशन भी हमें देखने मिल रहा है, और आज की तारीख में फिर से हमें अपसाइड मूव आते हुए देखने मिल रहा है। 36 का लेवल है, 8% ऑलरेडी मूव कर लिया है, तो उसको एक साथ में बाय ना करते हुए उसको एक्यूमुलेशन वे में हमें देखना चाहिए। तो 36.5 से लेकर मैं इसका जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल देखता हूँ 35, यानी 1.5 रुपए की आपकी इसकी एक्यूमुलेशन रेंज रहेगी। नीचे में आपके स्टॉप लॉस 33 और क्लोजिंग बेसिस पे बैठेगा, एंड ऊपर में हम देखते हैं तो स्टॉक प्राइस के अपसाइड पोटेंशियल जो इसके प्रीवियस हाई थे 40 रुपए के यहाँ पे, तो वहां पे देखने मिल सकते हैं। ट्रेंड इसने काफी अच्छा एस्टेब्लिश किया हुआ है और बुलिश कंटिन्यूशन साइन देखने मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, इन्फीबीम को लेकर ये व्यू।
सुदीप सर, बजाज ऑटो जरा देखिए आप, बजाज ऑटो में 3% के आसपास की गिरावट है और कल भी हमने 4-4.5% के आसपास की गिरावट देखी। दो दिन में करीब 6-7% ये शेयर टूट गया है। आज बायबैक के रिकॉर्ड डेट है और उसके पहले हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ रही हैं। बजाज ऑटो ये गिरावट क्यों आ रही सुदीप सर, पहले तो ये बताइए। और दूसरी चीज़, जिनके पास हैं शेयर, क्या उनको बायबैक में टेंडर करना है या नहीं करना है? हालांकि रिटेल का जो कोटा है सिर्फ 6 लाख शेयरों का है, एक्सेप्टेंस रेशियो बहुत कुछ खास होने की उम्मीद नहीं है। आप क्या सलाह दे रहे हैं लोगों को? देखिए, जो बायबैक प्राइस है उसके हिसाब से तो अट्रैक्टिव है, पर जैसे आपने कहा बहुत ही कम चांसेस है एक्सेप्ट होने का, बहुत ही कम कोटा है उसका। और ये बायबैक में सभी शेयर होल्डर टेंडर करेंगे यही उम्मीद है, प्रोपोर्शनेटली एटलीस्ट, क्योंकि ये फायदेमंद होगा उनके लिए। ओवरऑल बजाज ऑटो में अगर बात करना चाहें तो हमारा व्यू तो इसमें पॉजिटिव रहा है कुछ दिनों से, पर अभी भी हम पॉजिटिव मेंटेन कर रहे हैं। जो जो हायर प्राइस्ड टू व्हीलर सेगमेंट है वहां पे इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है पिछले दिनों में और वहां पे इनका शेयर बढ़ रहा है। लोअर एंड मार्केट में अभी भी इतना अच्छा शेयर नहीं है और जो उन्होंने लॉस किया था शेयर लॉस, वहां पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला, पर हायर एंड पे बहुत अच्छा मार्केट शेयर गेन कर रहा है जो कि बहुत फायदेमंद है कंपनी का मार्जिन्स के लिए और परफॉर्मेंस के लिए, प्रॉफिट परफॉर्मेंस के लिए। दूसरी बात यह है कि एक्सपोर्ट मार्केट जो कि इसका बहुत बड़ा हिस्सा है बजाज का, वहां पे दिक्कतें थी पिछले दिनों में, उसके कारण एक दबाव हमेशा बना रहता था बजाज ऑटो के ऊपर। हम लोगों का उम्मीद यह है कि एक्सपोर्ट मार्केट में भी अच्छा खासा पिकअप होगा और वो पिकअप बजाज ऑटो को और भी अच्छा परफॉर्म करने में सहायता करेगा। में 1.5% की तेजी है, ये शेयर निफ्टी से बाहर होगा। श्रीराम फाइनेंस में देख रहे हैं कि अच्छी तेजी अब हो गई है, करीब 4% के आसपास की, यानी कि अपने गेंस को और बढ़ाया है श्रीराम फाइनेंस ने, यूपीएल ने लूज किया है। सुदीप सर, यूपीएल आपको क्या लगता है? आप चूंकि फंड्स को भी ट्रैक करते हैं और निश्चित तौर पर फंड्स के लिहाज से यह डेवलपमेंट काफी क्रूशियल हो जाता है, यूपीएल आपको लगता है कि और कमजोरी शेयर में हो सकती है यहाँ से? कुछ देर के लिए कमजोरी जरूर देखेंगे क्योंकि इंडेक्स से जब कोई शेयर बाहर निकलता है तो इंडेक्स जो फंड्स इंडेक्स के हिसाब से निवेश करते हैं उनको एडजस्टमेंट करना पड़ता है और उस शेयर में ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत बिकवाली आ जाता है। तो मुझे लगता है कि ये जरूर कुछ देर तक दबाव में रहेगा। ओवरऑल अगर आप देखें तो केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, एग्रोकेमिकल्स बिजनेस में दबाव रहा है और इस दबाव के कारण सारे कंपनीज इस क्षेत्र के बहुत नीचे आ गए हैं प्राइस, और अभी भी दबाव बरकरार है बिजनेस पे। देखिए, केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स में एक कुछ कंपनीज हैं जो कि कमोडिटी केमिकल्स बनाते हैं, मतलब उनका जो आउटपुट है वो कमोडिटाइज्ड है, और वहां पे चाइनीज प्रोडक्शन और चाइनीज डंपिंग के कारण बहुत जबरदस्त दबाव बना हुआ है, और यूपीएल के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स में ये दबाव देखने को मिल रहा है। इसीलिए इनका जो परफॉर्मेंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो परफॉर्मेंस आता है वो भी कुछ ऐसा कुछ आशा नहीं दिखा रहा है अभी तक। पर यहाँ पे एक बात ध्यान में जरूर रखना पड़ेगा कि यूपीएल ग्लोबली एक करीबन 5 नंबर एग्रोकेमिकल कंपनी है, ग्लोबल स्केल पे ऑपरेट करता है, ग्लोबली इसका बिजनेस स्प्रेड है, तो रिकवरी भी बहुत जल्दी आने की संभावना रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस क्वार्टर में या अगला क्वार्टर में, पर रिकवरी इकोनॉमीज में सुधार आने के साथ साथ रिकवरी के साथ साथ इनके परफॉर्मेंस में भी रिकवरी आने की संभावना है। तो वी शुड नॉट राइट ऑफ यूपीएल, बट यूपीएल में अभी दबाव रहेगा। ओके, तो यूपीएल को लेकर ये राय सुदीप जी की। पर सुदीप जी, एक और सेक्टर पे आपसे राय जानना चाहेंगे। देखिए, कैबिनेट मीटिंग अंडरवे है और ऐसे में जो फ्लैशेस सामने निकल के आ रहे हैं, जो बड़ी बातें सामने निकल कर आ रही हैं, वो कि जो प्रधानमंत्री ने सूर्योदय योजना अनाउंस की थी उनके अयोध्या के पूरे आयोजन के बाद, अब उसको कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है और साथ ही साथ उनकी तरफ से ये अनाउंसमेंट आया है कि 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट वो मुफ्त देंगे अपने यूजेज के लिए। ऐसे में हमने देखा कि कई सारे काउंटर्स जैसे कि एसडब्ल्यू सोलर, वारे रिन्यूएबल्स और साथ ही साथ टाटा पावर, पीएफसी, आरएसी, ये सभी फोकस में रहे। किसी को इस सेक्टर में एक्सपोजर लेना हो तो क्या राय होगी और ये खबर कितनी बड़ी साबित हो सकती है सेक्टर के लिए?
खबर जरूर एक अच्छा डेवलपमेंट है, क्योंकि सोलर पावर पे सरकार की तरफ से फोकस आया है। बजट में भी इसका ऐलान किया गया था, रूफटॉप सोलर की बात की गई थी, उसी का रिलेटेड योजना अनाउंस किया जा रहा है और बहुत जल्द वो सामने आएगा, डिटेल इसके सामने आ जाएंगे। थोड़ा स्टडी करके तभी बताना पड़ेगा कि इस स्पेसिफिक अनाउंसमेंट से कौन सा कंपनी को ज्यादा फायदा हो रहा है, सोलर बैटरी मैन्युफैक्चरर्स को या पावर ऑपरेटर्स को, वो देखना पड़ेगा। पर ओवरऑल पावर सेक्टर बहुत ही अच्छा स्थिति में है, और इस सेक्टर का एनटीपीसी एक दिग्गज कंपनी है, और हम एनटीपीसी में जरूर खरीदारी की सलाह देंगे। ये थर्मल पावर कंपनी था और थर्मल का पावर कंपनी सबसे बड़ा है, विथ फैंटास्टिक बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। इसके अलावा एक बहुत अच्छा ग्रीन एनर्जी कंपनी अब इन्होंने अपने अंदर ही क्रिएट कर लिया है, और उसकी आईपीओ की भी बात हो रही है, करीब 1 साल के अंदर उसका आईपीओ भी आने की संभावना है। वैल्यू अनलॉकिंग जरूर जबरदस्त होगा, तो एनटीपीसी में जरूर खरीदारी निवेशक करंट लेवल पे भी कर सकते हैं। टाटा पावर भी ठीक है, टाटा पावर में भी खरीदारी की जा सकती है, पर स्कोप ऑफ एप्रिसिएशन हम लोगों को लगता है कि एनटीपीसी में ज्यादा है। ओके, तो एनटीपीसी पसंद आ रहा है सुदीप जी को, और उसके पीछे के तर्क भी बताए। पर कपिल, एक बार आपसे चार्ट चेक भी लेना चाहेंगे। देखिए, आज कई सारे पावर रिलेटेड स्टॉक्स, टाटा पावर, पीएफसी, आरएसी, इन सभी में अच्छा मूवमेंट है। कोई स्टॉक जो ट्रेडिंग के लिहाज से आपको समझ आ रहा हो? यहाँ पे पीएफसी का चार्ट हम देखते हैं तो स्टॉक प्राइस में काफी दिनों से कुछ गिरावट देखने मिली थी। ऐसा लग रहा था कि जो उसकी अपसाइड मोमेंटम थी वो कहाँ कहाँ पे एग्जॉस्ट हो गई है, और ऐसा पहले भी एक बार हो चुका है। लेकिन जो लास्ट टाइम भी स्टॉक ने 390 के लेवल से रिवर्ट किया हुआ था, और आज के दिन में भी स्टॉक ने 390 का लो बनाया हुआ है, और आज पहला दिन है स्टॉक प्राइस ने ऊपर की ओर रिबाउंड कर रहा है। हम नॉर्मली देखते हैं कि जो अपने जब ये स्टॉक अपने प्रीवियस 2 दिन के हाई निकाल देता है, तभी आपको जो सपोर्ट लेवल है उसको रिस्पेक्ट मिल चुका है, वैसा हम कंसिडर करते हैं। तो आज पहला दिन है, पहले दिन पे एक आधा दिन का और एक वेट कर सकते हैं, और जब भी स्टॉक प्राइस के मोमेंटम हमें 406 के ऊपर की दिखने मिलती है, तब ऐसा लगता है कि हाँ, सपोर्ट लेवल ने अपना रोल प्ले कर लिया, और यहाँ से जो इंटरमीडिएट करेक्शन आ रहा था वो खत्म हो चुका है और फिर से ऊपर का मूव चालू कर रहा है। तो 406 के ऊपर हमारा एक पॉजिटिव व्यू बनता है। एनटीपीसी जैसे सर ने बताया हुआ था, काफी कंसोलिडेशन पैच में है, थोड़ा सा माइल 2-3% का भी करेक्शन आ जाता है, वो बेहतरीन सपोर्ट लेवल पे आ जाता है, और वहां पे एनटीपीसी की भी खरीदारी बन सकती है। ठीक है, ये व्यू आपके लिए एनटीपीसी पर भी साथ में ही, लेकिन अक्षय, एमसीएक्स में हम अच्छी तेजी देख रहे हैं, 3-3.25% के आसपास की। क्या ये तेजी बढ़ेगी? एमसीएक्स को खरीदने की सलाह है क्या? ट्रेड बन रहा है इसमें? एमसीएक्स का थोड़ा ब्रॉडर चार्ट देखे, अभी भी चार्ट स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है। बस प्रॉब्लम था कि गए 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन में एक रेंज में सीमित था ये। आज ये कोशिश जरूर है ये रेंज ब्रेक करने की। अब तक जो चल रहा है स्टॉक अपर एंड ऑफ द रेंज पे है, तो 3800 ये एक कंडीशनल बाय रखूंगा आज, नहीं तो कल जब भी ये बाय ब्रेक कर जाए तभी आपको बाय करना है। 3800 बाय करते आपको मोमेंटम पिकअप मिलेगा जो करीबन 4000 प्लस का टारगेट बनेगा, तो वो कंडीशनल बाय एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा जो है रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड हो रहा है। 3800 के ऊपर बाय, 4000 का टारगेट, ये मेरा ट्रेड बनेगा एमसीएक्स में।